और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते देहरादून, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, दिखाते हैं। जो किसानों के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम करती है, किसानों के संघर्ष में हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है और आम आदमी पार्टी किसान और जवान को आगे लेकर इस देश का नव निर्माण करना चाहती है, जिसमें हम लगातार अग्रसर हैं। आपने देखा होगा यहां भी हमारे जो सेनापति हैं कर्नल कोठियाल, एक देशभक्त और काफी सारे गैलेंट्री अवार्ड से सुसज्जित हैं, वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और हम ग्राउंड पर किसानों को समर्थन दे रहे हैं, उनकी आवाज को आगे सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे नेता जो 15, 16 और 17 तारीख को जसपुर से खटीमा तक किसान संकल्प यात्रा निकालेंगे, उसमें हमारे कार्यकर्ता भी वहां पर रहेंगे, स्थानीय जनता का भी हमें समर्थन मिल रहा है और बहुत बड़ी तादाद में किसान लगातार हमें संपर्क कर रहे हैं। जब से ये हुआ है कि भगवंत मान जी आएंगे, किसान यात्रा निकलेगी, तो बहुत सारे किसानों ने, उधम सिंह नगर हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, तराई के बहुत सारे किसानों ने हमें हमसे संपर्क किया है और अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी हमेशा ही केंद्र सरकार के काले कानून के खिलाफ भारतीय किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। धन्यवाद।